और जानते हैं महिलाओं के मन की बात। राजस्थान में सीकर एक ऐसा जिला है जो इस बार बदलाव होगा या जैसा चल रहा है सब वैसे ही चलेगा? कुछ बदलाव तो होगा ही। इस बार मूड क्या है? मूड तो ठीक ही है, अच्छा ही है। मोबाइल मिल रहा है, डेलो जी दे रहे हैं। आप बताइए क्या हो रहा है राजस्थान में, क्या चल क्या रहा है? चल तो बहुत कुछ रहा है, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, कर रहे हैं, चुनाव के समय कर रहे हैं। इलेक्शन में खड़ा होना है, जीतना है, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैम, कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत योजनाएं निकाली हैं जो बहुत बेनिफिट है स्टूडेंट्स को उनका, अच्छा काम कर रहे हैं सर। मुझे बताइए एक हाउसवाइफ के मुद्दे इस बार क्या हैं, परेशानियां क्या हैं? महंगाई तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है इस टाइम पे, हर चीज़ में देखो तो मार्केट में महंगाई का ज़्यादा ही वो हो रहा है। अच्छा प्रधानमंत्री उनके बारे में कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो है वो सही है और हमारा मानना यही है कि वही होने चाहिए हमारे मोदी जी। अच्छा मेरे साथ दो फर्स्ट वोटर्स हैं, आप दोनों ही पहली बार? जी पहली बार। नाम क्या है? अंकिता। अंकिता ये बताओ पहला वोटर बहुत एक्साइटेड होता है, क्या लग रहा है? हाँ पहली बार वोट डाल रही हूँ तो एक्साइटमेंट तो होगा ही। किसी ने काम किया है अब तक महिला सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा? नहीं मैं तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मानती हूँ कि कांग्रेस ज्यादा अच्छा काम कर रही है उनके लिए, पर यही है कि महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा काम करना चाहिए, पहले से बेहतर होना चाहिए। अच्छा इनके अलावा किसी दूसरे स्टेट में कोई लगता है काम कर रहा है? हाँ वो यूपी में है ना, आदित्यनाथ योगी, वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अच्छा कौन सा काम उनका बढ़िया लगता है? उनका यही है, एक तो हिंदू मुस्लिमों का कि ज्यादा सही है कि दोनों को बराबर लेके चलते हैं और महिलाओं की सिक्योरिटी भी ज्यादा सही है। राजस्थान में क्या बदलाव होने जा रहे हैं? कोई बदलाव नहीं लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कोई उम्मीद? उनसे तो बहुत कुछ उम्मीद। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छा काम कर रही है या पहले जो बीजेपी ने किया वो अच्छा है? अच्छा किया बीजेपी ने, अच्छा किया। हाँ बीजेपी ने अच्छा किया। सरोज जी ये बताइए कि राजस्थान में महिलाओं के लिए काम हुआ है क्या? जी थोड़ा बहुत होता ही है। हाँ जितना होना चाहिए उतना नहीं? हाँ जितना तो नहीं। तो राज्य में बदलाव होगा या नहीं होगा? राज्य में तो सरकार चेंज होगी अगले साल, प्रधानमंत्री का भी क्या लग रहा है, बदलेंगे या मोदी जी? आई एम श्योर नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे क्यों? मोदी जी ने बोला आई एम श्योर, मतलब कॉन्फिडेंट है? डेफिनेटली ही विल कम मैम। इस बार क्या लग रहा है क्या होगा राजस्थान? राजस्थान में अच्छा चल रहा है, गहलोत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस सिर्फ महंगाई को लेकर हमारा मुद्दा है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है आप? अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन समझ रहा है महिलाओं? कोई नहीं समझ रहा, अपने अपने घर बदलने के लिए रख देते हैं सब लोग, कोई समझे तो इतना महंगाई नहीं हुई ना। जो ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है महिलाएं हमारे पास आ जाए, महिलाएं किसके पास जाना चाह रही? भरोसा अभी तो किसी पे नहीं हुआ क्योंकि ना सब किसी पे भी नहीं हुआ क्योंकि सब आते हैं अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। हमको ये बताइए इस बार सरकार परिवर्तन होने जा रहे हैं क्या? हो तो रहा है, काम हो रहा है, लोग एक्टिव तो है ही ना, समाज में है या सोसाइटी में या जो राष्ट्र में है, देख लो मोदी जी के हैं तो परिवर्तन तो हो रहा है। कला संस्कृति और पधारो हमारे देश के व्यवहार को दर्शाता सीकर, जहाँ की महिलाओं, जहाँ की एम फैक्टर से हमने ये समझा कि राज्य सरकार यानी कि गहलोत के जो कामकाज हैं, जो उनकी योजनाएं हैं उनसे तो खुश हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे उनकी जो नाराजगी है वो साफ झलकती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल तो यहाँ से यानी कि राजस्थान के सीकर से फिलहाल इतना ही, फिर दूसरे जिले चलते हैं और वहां पर एम फैक्टर खंगालने की कोशिश करते हैं, छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का भी एम फैक्टर इस ट्रैक्टर के जरिए आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।